मैं स्कूल व्याख्याता ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एग्जाम करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। तो अभी तक जो एक कमी महसूस कर रहे थे आंदोलन के नाम पे कि इसके आंदोलन को प्रॉपर कवरेज नहीं मिल रहा था, वो कवरेज की भी अब दूर हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, जी राजस्थान है जो ट्विटर हैंडल पे काफ़ी बड़ा ट्विटर अकाउंट है, 1.5 मिलियन इसके ट्विटर फॉलोवर हैं। आज उन्होंने इस न्यूज़ को सर्कुलेट किया आज 3 घंटा पहले कि फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला, प्रदेश के बेरोजगारों ने फॉर्म रीओपन करने की मांग उठाई, सरकार की ओर से दी गई भर्तियों में दी गई 2 साल की आयु छूट, कोरोना के चलते 2 साल की आयु छूट दी गई है, उसकी राहत दी गई है। इस संदर्भ में उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट का पार्ट 2 जारी किया। ऐसे में बेरोजगारों ने छूट देते हुए फॉर्म रीओपन करने की रखी मांग, करीब 20,000 से ज़्यादा बेरोजगार छूट नहीं मिलने से हो रहे प्रभावित। तो ये जो डिजिट है, चाहिए ऑफिशियल हो चाहिए अनऑफिशियल, पहली बार डिजिट सर्कुलेट हुआ है वो भी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल की आयु छूट का लाभ दिया है, मतलब 2012 से 2024 तक का कर दिया है उसको, तो उस चीज़ को आज पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया में उठाया है। दूसरा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी धरना शुरू हो गया है जो 24 आवर का है, असंकेतिक धरना ना होके फुल टाइम है प्रोटेस्ट वो, तो उसका देखते हैं कितना प्रभाव रहता है। उम्मीद तो रहेगा मेन स्ट्रीम मीडिया में आने पे, जो लोकल मीडिया है उनको भी कवरेज देना पड़ेगा और वो अगर कवरेज देंगे तो मामला जल्दी सरकार के संज्ञान में आएगा। भर्ती नज़दीक आती जा रही है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो इस सब मामले को निपटाने में सरकार को आधा दिन का भी समय नहीं लगेगा। सरकार आदेश जारी करके RPSC से फॉर्म रीओपन करने का कह सकती है, RPSC को सरकार की जो सजेशन है वो माननी पड़ेगी। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।